हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्टिनाज एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं एक बहुत अनकॉमन रेसिपी ले आई हूँ आप लोगों के पास, जो शायद आप लोगों ने नहीं खाया होगा। ये मेरे घर से डायरेक्ट आप लोगों के लिए, फ्रॉम मार्टिनाज किचन टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बेसन के पकौड़िया हैं और प्रॉन, दोनों मिलाकर एक करी बनाते हैं हम लोग। तो चलिए बनाया जाए। देखिए यही है, इसी को हम लोग फ्लोरी बोलते हैं। ये बेसन के पकोड़े हैं, तो हम मेरे घर पे बहुत ही बनता है, तो मैं सोची क्यों ना शेयर करूँ आप लोगों से मेरे घर का सीक्रेट रेसिपी। तो चलिए बनाया जाए। वहाँ पे फ्लोरी ले ली मैं, यहाँ पे अनियन ले ली, टमेटो ले ली। इन सबको ब्लेंड करना है, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 ठो अनियन है, 1 टमाटर है, उसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए इस तरीके से फाइन पेस्ट कर लीजिएगा एकदम। अब इसे साइड पे रखते हैं। एक कढ़ाई पे ऑयल ले लेते हैं, यहाँ पे 3-4 टेबलस्पून ऑयल है। एंड माय टिप्स अगेन, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डायरेक्ट ऑयल पे डालती हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोग मसाला पेस्ट डालते हैं वो स्प्लटर नहीं करेगी, नहीं छिटकेगी। ये मेरी टिप्स है, मैं पहले भी शेयर की, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से करना। और देखिए अब मैं वो जिंजर गार्लिक टमेटो एंड आनियन का पेस्ट डाल चुकी ऑयल पे। अब इसे अच्छा से मिक्स कर रही हूँ। ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखिए मसाला कितना अच्छा फ्राई हो चुका है, ऑयल विजिबल हो गया है। अब मैं इसमें जो प्रॉन्स क्लीन करके रखी थी, चिंगड़ी माछ, इसे डाल देती हूँ। अब इसी के संग में कुछ देर मसाले के संग इसे फ्राई करेंगे। इसे अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेसिपी ऐसे ही बनती है। अब इसमें मैं नॉर्मल मसाला दूंगी, इसमें ज़्यादा मसाला की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून चिली पाउडर, दैट्स इट। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ एक यमी सा करी बन के रेडी होती है। अब इसे अच्छा से कुछ देर फ्राई करना है, क्यों मसाला तो ऑलरेडी मैं फ्राई कर चुकी थी। आप लोग ये रेसिपी ट्राई करोगे, अगर फ्लोरी नहीं मिलती है तो आप अपने घर पे भी बेसन से पकौड़ियाँ बनाकर ये रेसिपी बना सकते हो। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दी, देखिए इसे इसी कंसिस्टेंसी पे लाना है। मैं पानी ऐड की क्यों, मैं हद से ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ करी में, तो वो नीचे बैठ ना जाए। अब हमें रुकना है इसमें एक बॉयल आने तक। जैसे ही एक बॉयल आ जाती है, इसे लिड लगाकर कुछ देर कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि हम लोग प्रॉन फ्राई नहीं किए थे उसी रीज़न से। अब चलिए लिड हटा कर देखते हैं। देखिए मसाला कितना अच्छा से कुक हो चुका है, पूरा विजिबल हो रहा है ना, जो भी ऑयल थोड़ा बहुत, तो कम ऑयल पे भी अच्छा खाना बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टैमरिंड का जूस है, मैं इमली को भिगो के रखी थी, उसके बाद उससे अच्छा से स्क्वीज़ करके पानी लेकर सीड्स डिस्कार्ड कर दी, वो डाली हूँ 1 कटोरी। और यहाँ पे वो फ्लोरी जो है बेसन के पकौड़े, वो डाली हूँ। यहाँ पे 8 से 10 फ्लोरी है, और इसे अच्छा से मीन्स इस कंसिस्टेंसी पे वाटर होना चाहिए जो आपका पूरा फ्लोरी डूब जाए। तो इसे कुछ देर ढक के कुक करने के बाद देखिए, अब मैं खोल के चेक कर रही हूँ, ये फुल्ली कुक हो चुका है। ये कुक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और ये बहुत एक यमी सा फ्लेवर देता है, एक टैंजी सा। देखिए इसी कंसिस्टेंसी पे जब ग्रेवी रहेगी, आप गैस ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये पानी ऑब्ज़र्व कर लेता है ना, ये बेसन के पकौड़ियाँ हैं तो ये पानी ऑब्ज़र्व कर लेता है। ये आप बाद में जब खाते वक्त इसे खोलोगे तो ये और भी थोड़ी ड्राई हो जाएगी। देखिए हमारी फ्लोरी चिंगरी इज़ रेडी, एक बहुत ही अनकॉमन डिश फ्रॉम मार्टिनाज किचन टू ऑल ऑफ योर। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बताइएगा ये रेसिपी कैसे लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जो नए हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर दो,
प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, ढेर सारा प्यार दो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए वीडियो के संग। तब तक टेक केयर।